में साक्षी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। विकास के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि, अभी तो काम शुरू हुआ है। 38 किलोमीटर तक होगी पेड़ों की कटाई। पर्यावरण प्रेमियों ने जताई गंभीर चिंता, कहते हैं हमने सभी से अनुमति ले ली है। इन दिनों जिले में रास्तों के विकास तेजी से हो रहे हैं, रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं, साथ ही रास्ते के किनारे आने वाले पेड़ों को बेधड़क काट दिया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों तथा पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों की कटाई पर चिंता व्यक्त की है। हिंगना तहसील कार्यालय के सामने से वर्धा जिले के केलवत गांव तक बन रहे 38 किलोमीटर के रास्ते में यह सच सामने आया है। पूछने पर कहा जाता है कि हमने संबंधित विभाग से अनुमति ली है, इसके एवज में 1 किलोमीटर में 200 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि 1 किलोमीटर की दूरी में 50 से अधिक वर्ष पुराने विशाल पेड़ों को धराशायी कर दिया गया है। हिंगना से केलझर तक 38.377 किलोमीटर रास्ते का नवीनीकरण और चौड़ीकरण होना है। इस विकास कार्य का प्रारंभ हिंगना नगर पंचायत अंतर्गत शिवाजी चौक तहसील कार्यालय के सामने से हो चुका है। शिवाजी चौक में ही करीब 4 से 5 विशाल पेड़ काटे गए हैं। इसी प्रकार हिंगना से मोढ़ा गांव तक 50 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई है। बताया जाता है कि इन्हें काटे बगैर भी रास्ते का विकास कार्य किया जा सकता था, लेकिन ठेकेदार ने एक न सुने, यह विकास कार्य होंगे। हिंगना से लेकर केलझर तक 38.377 किलोमीटर का रास्ता 52.07 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक बांधकाम विभाग 2 द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय विधायक समीर मेघी के प्रयास से इस मार्ग का विकास किया जा रहा है। इसमें 20 मीटर का रास्ता है, एक तरफ से 10 मीटर का होगा। इसमें 7 मीटर की सड़क है, जहां गांव है वहां दोनों ओर सीमेंट की बड़ी नाली के साथ ही 7 मीटर की सीमेंट सड़क बनाई जाएगी। जहां पर सड़क किनारे नालियां बन रही है वहां पेड़ों की कटाई समझी जा सकती है, लेकिन जहां नालियां नहीं बनाई जा रही है वहां पर भी 10 मीटर के अंदर सड़क किनारे आने वाले पेड़ों का काटा जा रहा है। जानकारी के अनुसार हिंगना से कान्होली बारा चौकी मार्ग के किनारे आने वाले पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है। कुल कितने पेड़ काटे जाएंगे इसकी संख्या अभी बताना संभव नहीं है। सर्वे कर काटे जा रहे पेड़, सर्वे कर सभी विभाग की अनुमति लेकर पेड़ काटे जा रहे हैं। IRC नियम के अनुसार नए पौधे लगाए जाएंगे। नागपुर शहर की तरह यहाँ पर रास्ते के किनारे पेड़ों को रखना संभव नहीं। शहर में गाड़ियों की रफ्तार कम होती है, जबकि ग्रामीणों में ज्यादा होती है। दुर्घटना होने की आशंका होती है, इसलिए पेड़ काटे गए हैं। जानकारी के अनुसार 1 किलोमीटर पर लगेंगे 200 पौधे। 1 किलोमीटर के अंतर में करीब 200 पौधा रोपण किया जाएगा, जो 1 वर्ष में पौधे होंगे। इनकी देखभाल 12 वर्ष तक ठेकेदार द्वारा की जाएगी। नियमानुसार काम किया जा रहा है, काम सही चल रहा है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।